जय हिंद दोस्तों, मैं फाइटर डिफेंस एकेडमी से अनिल जाट नोटा। हमारी हाइट नहीं है आर्मी में जाने के लिए, तो हाइट कैसे बढ़ाएं? अब मैं 5 या 6 योग में आप लोगों को बताता हूं। उन 6 योग को निरंतर करने से आपकी हाइट बढ़ सकती है, मैं गारंटी नहीं देता, क्योंकि 16 और 17 साल बाद में हाइट बढ़ने के चांस बिल्कुल भी नहीं रहते। ये एक सांत्वना होती है, आपकी हाइट बढ़ जाएगी, मैं आपकी हाइट बढ़वा दूंगा, वो प्रोडक्ट लो, आप वो चीज़ लो, इससे किसी से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। होगा तो योग से होगा, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये 5 योग। तो हाइट बढ़ाने वाला सबसे पहला योग है ताड़ासन। ताड़ासन के बारे में आपने कई बार सुना होगा और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ताड़ासन से बंदे की हाइट बढ़ेगी नियमित करने से, केवल 1 दिन करने से 2 दिन करने से नहीं बढ़ेगी, नियमित अभ्यास से हाइट बढ़ेगी। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, पैरों को मिलाना है, सूर्य नमस्कार में जो अपन स्थिति करते हैं वही स्थिति करनी है, ये हाथों को कैची मार सकते हैं वरना हाथ जोड़ के खड़े हो सकते हैं, दोनों हाथों को ऊपर उठाना है श्वास खींचते हुए, इसके साथ में पैरों के पंजों को ऊपर करना है, एड़ियां उठानी है इसे। श्वास को भरते हुए शरीर को ऊपर की तरफ खींचना है, यह अभ्यास आपको नियमित रूप से करते रहना है, 10 सेकेंड 20 सेकेंड धीरे धीरे इसको बढ़ाना है, 1-1 मिनट कर सकते हो। दूसरा योग है पाद पश्चिमोत्तासन। इसमें दोनों पैरों को मिलाते हैं, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए श्वास छोड़ते हुए हाथ की अंगुलियों से पैर की अंगुलियों को पकड़ना है और अभ्यास कर कोशिश करना है कि सिर घुटनों के टच हो, थोड़ा थोड़ा रुकना है इस पोजीशन में। धीरे धीरे सिर को इस पर टच करने, घुटने को टच करने का प्रयास करना है, हाथों से इसको पकड़ के पैरों की अंगुलियों को, धीरे धीरे अभ्यास करने से आपकी हाइट बढ़ेगी। अब मैं आप लोगों को तीसरा योग दिखाता हूँ। चक्रासन में पैर की एड़ियों को शरीर से टच करना है, पीछे हाथों को कंधे के बगल में रखना है और शरीर को बीच में से ऊपर की तरफ उठाना है। इस आसन को करने से आपकी हाइट बढ़ेगी नियमित करने से। इसके बाद में मैं आप लोगों को चौथा आसन बताता हूं। अभी तक 3 योग हो चुके जिससे आप हाइट बढ़ा सकते हैं, इसके बाद में सर्वांगासन। सर्वांगासन का नाम सभी ने सुना होगा। सर्वांगासन में हम दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे, बिल्कुल ऊपर करेंगे, श्वास को छोड़ते हुए पैरों को ऊपर उठा के बिल्कुल सीधा अपने शरीर का पूरा वजन कंधों पे रहेगा। इस व्यायाम से जिनके कंधे पुष्ट नहीं है, छाती पुष्ट नहीं है, वो अपने कंधे और छाती को फुलाने के लिए भी इस योग का अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद में हलासन, हल जैसी स्थिति। और धीरे धीरे करते हुए अपने पैरों को नीचे की तरफ लाना है। अंतिम योग भुजंगासन। उल्टा लेटना है, हाथों को कंधे के समानांतर रखना है और आगे से केवल छाती को उठाना है। श्वास छोड़ते हुए
इन सभी आसनों का नियमित अभ्यास करने से आपकी हाइट बढ़ेगी 100%। आप बस नियमित अभ्यास करिएगा। जिनकी हाइट छोटी है और वो आर्मी में जाना चाहते हैं, सेना में, और अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हैं, वो इसका अभ्यास एक्सरसाइज में जोड़ें। ये सभी योग एक्सरसाइज में जोड़ें और अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा भी बाज़ार से किसी भी कोई भी विदेशी प्रोडक्ट खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वदेशी चीज़ में आपको बताता हूँ जो आपकी रसोई घर में मिलेगा। दही, दही सभी खाते हैं। सुबह सुबह दही में एक गेहूं के दाने के बराबर चूना डालना है एक कटोरी दही में। उसका सेवन नियमित रूप से डेली करना है। केवल गेहूं के दाने के बराबर ही चूने का प्रयोग करें। यह प्रयोग करने से और दही के अंदर आपकी हाइट बढ़ेगी, ये मेरा विश्वास है। बाकी हाइट बढ़ाने वाली कोई भी ऐसी दवा मार्केट में नहीं है। झूठे आश्वासन दिए जाते हैं, इन्हें झूठे वादों में ना फंसें और केवल योग करें। मित्रों, ये हाइट बढ़ाने वाला नुक्खा आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमसे अगर कोई त्रुटि हुई हो तो वो भी हमें ज़रूर बताएं ताकि हम अगली बार ऐसी कोई त्रुटि ना करें। और चैनल से अधिक जुड़िए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाएँ। जय हिंद।